देश के छात्र हैं, किसानों के साथ जहां जब जहां अत्याचार अन्याय व दुराचार होते देखा, वहां निडर दिल से सिर ऊंचा करके उठाकर विरोध करो और उसे दूर करने की जी जान से कोशिश करो। ये नेताजी सुभाष चंद्र का जो स्लोगन है, ये छात्र आए हुए हैं और किसानों को इनका समर्थन भी है और ये 26 तारीख से आंदोलन में भागीदार भी हैं और किसानों का बढ़ चढ़कर सहयोग करें। नमस्कार सर जी। नमस्कार आपके चैनल को। सबसे पहले धन्यवाद आप इस आवाज़ को उठा रहे हैं। सर आप कहाँ से आए हो? जी मेरा होम डिस्ट्रिक्ट हिसार है, MDU यूनिवर्सिटी रोहतक में स्टूडेंट हूँ मैं और हम ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कार्यकर्ता हैं। आप हरियाणा हिसार से आए हो जी, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि ये किसान जो आए हुए हैं पंजाब से आए हुए हैं, कांग्रेसी समर्थक हैं। कुछ और मीडिया घराने ये कह रहे हैं कि खालिस्तानी समर्थक आए हुए हैं। आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? ये अच्छी बात है ये जो कह रहे हैं, क्योंकि ये उनकी बौखलाहट है। जब इंसान बौखला जाता है, जब इंसान घबरा जाता है तो बेचारे के मन से कुछ भी निकल सकता है, तो हम उनको सीरियसली नहीं लेते हैं। और इसी तरह से जो आपके चैनल के माध्यम से लोग देख रहे हैं उनसे मैं अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। क्या कुछ तो नहीं बोला इन्होंने, सब कुछ तो बोलते रहे हैं, जो चीज़ बोलेंगे बिल्कुल उसका एकदम उल्टा होगा, तो ये क्या बोलेंगे इनका कोई मतलब मायने नहीं है। इसलिए मैं ये अपील करूँगा कि इनको सीरियसली ना लें। कुछ लोग ये कह रहे हैं साइन बाग जैसे भी CA आया था, NRC आया था, उसकी तरह ये आंदोलन बन के रह जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा। सबसे पहले तो मैं आज तक जिंदगी के अंदर इतना विशाल आंदोलन हम पहली बार देख रहे हैं कि लगातार आप देखिए 12 किलोमीटर तक लगातार ट्रैक्टरों की लाइनें लगी हुई है और जहां लोकल जो किसान है, हरियाणा के जो किसान हैं वो भी और दूसरे वर्ग भी उनकी लगातार उनकी हेल्प कर रहे हैं, चाहे मेडिकल फैसिलिटी की बात हो, चाहे उनको और दूसरे तरह की स्वास्थ्य से जुड़ी कोई दिक्कत है तो उनको तुरंत एम्बुलेंस की व्यवस्था और तमाम तरह की फैसिलिटीज़ है। खाने को लेकर यहाँ बादाम तक मतलब लोग उनको बांट रहे हैं, दे रहे हैं कि किसी भी तरह से ये आंदोलन और ज़्यादा मजबूत हो। इससे स्पष्ट होता है कि केवल किसान ही नहीं बल्कि इस आंदोलन के साथ हर वर्ग, हर वो दबा हुआ वर्ग इस आंदोलन के साथ है, उनकी भावनाएं उनके साथ है। भले ही वो लोग घर से यहाँ ना आ सकते हो किसी कारण, लेकिन वो तन मन धन से बिल्कुल वो इस आंदोलन के साथ रहना चाहते हैं। और जो लोग इस तरह की वाहियात बातें करते हैं वो केवल बातें ही करेंगे और बातें ही करते रहेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि कल एक बहन जी पत्रकार पूछ रही थी कि भाई सनी देओल ने बोल दिया कि मैं BJP के साथ हूँ और जो मैं किसानों के साथ भी हूँ, तो इस तरह के सनी देओल जी नहीं, बहुत तरह के ऐसे अभिनेता अभिनेत्री और नेता हैं जो ड्यूअल स्टैंडर्ड रखेंगे कि मैं उसके साथ भी हूँ इसके साथ भी हूँ, जबकि प्रैक्टिकली बिल्कुल गलत है। ये BJP की जो लाइन है कि मैं गांधी जी के भी साथ हूँ, मैं गोडसे के साथ हूँ, मैं भगत सिंह के भी साथ हूँ, मैं गांधी के, तरह तरह की जो उनकी ऐसी जिसका कोई मायने नहीं है, सैद्धांतिक जिसका कोई आधार नहीं है, बिना वो हरियाणा में कहावत है बिना पेंदे का लोटा, तो ये बिना पेंदे की लोटे की जो कहावत है उसको चरितार्थ कर रहे हैं और किसी भी तरह से इनको केवल एक जो शोषण करने वाला जो वर्ग है उसके पिछलग्गू बन के कुछ ना कुछ उसको थोड़ा मोटा उनको कुछ मिल जाता है, दो पैसे के जो लेके, चाहे नाचने वाले की बात हो चाहे कोई दूसरे की, वो सब इस तरह की वाहियात बातें करते हैं। तो आम जनता से अपील करते हैं कि इस आंदोलन के अंदर ऐसे लोगों को सीरियसली ना लें और इस आंदोलन को सपोर्ट करें। सरकार ये कह रही है जो किसानों के पक्ष में जो बिल लेके आए हैं इसे किसानों की आमदनी दोगुनी होगी और किसान आगे बढ़ सकता है, और कह रहे कि किसानों को बहकाया जा रहा है इस बिलों के खिलाफ। तो आप युवा हो, आप युवा अच्छे से समझा भी सकते हो कि भाई आप पढ़े लिखे समाज से आते हो, तो उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? और आपने बिल को पढ़ा भी होगा और बिल के बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि एक इंसान जो है वो आज कोई एक इंसान है, उसी तौर पे हम उसको नहीं देखेंगे, उसका पूरा एक बैकग्राउंड होता है, फ्लैशबैक में जाने की जरूरत है। आप कोई एक ऐसा मोदी सरकार का कोई एक ऐसा कदम बताओ जिसके अंदर उन्होंने ऐसी बातें ना बोली हो। लेट्स एग्जांपल की नोटबंदी क्या बोले थे कि देश के अंदर जो फंडिंग होती है, कश्मीरी जो आतंकवाद वहाँ है उनको फंडिंग होती है और इससे जो टेररिज्म को सपोर्ट होनी बंद हो जाएगी और इससे देश का जो काला धन है वो आ जाएगा। इसके उल्टा हुआ क्या? रिजर्व बैंक का, उन्हीं की संस्था का आंकड़ा है कि 100% लगभग जो पैसा था वो वापस उसी तरह से रिटर्न होके आ गया है। तो इसका मतलब ये सारे की सारे बकवास थी। फिर बात GST की है, उसमें क्या हुआ उसको उठा के देख लीजिए। फिर उसके बाद ये तालाबंदी जैसा जो फैसला इन्होंने ले लिया बिना किसी उसके मतलब कोई तैयारी के, तो तमाम तरह की ये जो बातें इस तरह से करते रहे हैं बेफजूली बातें, जैसे कि एक मोहम्मद तुगलक हुआ करते, जो उन्होंने 5-6 अपने जीवन में फैसले लिए जो कि एकदम
आप बिना सोचे समझे उठे और सुबह उठ के कुछ बोल दिए, तो इसी प्रकार से मोदी सरकार बोल रही है। और मैं एक और बात बता दे रहा हूँ, इनके अंदर एक क्वालिटी तो है कि जैसे एक जो क्या बोलते किसी संस्था को बदनाम करके उसको बंद करना, जैसे कि पुराने जमाना में किसी को जमीन जब हड़पनी होती थी तो उससे पहले उसको तरह तरह की उपाधियां दी जाती थी कि ये तो डायन है, डाकन है, बच्चे को उठा लेती है। इसी तरह से उसको जो लठेत लोग थे, बाहुबली लोग थे, उसको दबा दिया करते और उसकी ज़मीन के ऊपर उनकी नज़र हुआ करती थी। इसी प्रकार आज किसानों के ऊपर, आज तमाम जो जिस भी किसी संस्था के ऊपर जो भारत के लोगों ने खड़ी की थी आज 70 वर्षों में, जो भी खड़ी की थी, सरकारी चिकित्सा हो, सरकारी शिक्षा व्यवस्था हो, सरकारी कोयला हो, सरकारी पेट्रोलियम, रेलगाड़ी, कुछ भी हो, उन सभी को एक एक करके बदनाम कर रहे हैं और बदनाम करके उनको कुछ चंद घरानों के हाथ में बेच रहे हैं। तो इनकी इस मेंटेलिटी को समझिए कि पहले बदनाम करेंगे फिर उसको ख़त्म करेंगे। अब ये जनता, मैं कहूँगा, जाग उठी है। अब इसको पता चल गया इनके खाली जुमलों के अलावा और कुछ नहीं है। ये जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। और अगर ये मोदी सरकार अभी सुध नहीं लेती है, किसानों की काले कानून वापस नहीं करती है, तो ये काले इतिहास के रूप में दर्ज हो जाएंगे सदा सदा के लिए। ये इनको याद करना चाहिए इतिहास कि जब जब किसान और छात्र खड़ा हुआ है तब तक उन्होंने एक देश को नई दिशा दी है। सन 1975 के दौर को याद करें जब कांग्रेस का नाम लेने वाला तक कोई नहीं बचा था, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा ये कांग्रेस बीजेपी हटाने और लाने का सवाल नहीं है, ये देश की एक उसको आमूलचूल परिवर्तन करने की बात है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहूँगा कि उठ खड़े हों इस आंदोलन के अंदर, अभी हमारे पास एक वक्त है, नहीं तो तमाम ये देश को बेच के रख देंगे। धन्यवाद।